नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिड्यूस वैली। जो यहाँ पे अभी आपको रिड्यूस वैली का वैली रिड्यूस विदाउट मेडिसिन और एक्सरसाइज। दोस्तों, ये आपका जो वैली है, एब्डोमेन पेट की चर्बी जो बाहर आ जाती है, मोस्टली हर एक लोगों के साथ ऐसा है। ये आने का रीज़न ये है दोस्तों कि हमारा और आपका रूटीन अच्छा नहीं है। उस रूटीन अच्छा नहीं रहने के कारण ये बेली जो है लोगों का बाहर आता है, सारी चर्बी यहाँ पे आ जाती है। दोस्तों, एक चीज़ सोचने की है, सिर्फ इतना ही एरिया ही बढ़ता है बॉडी में, और जगह पे चर्बी नहीं होती, और जगह पे नहीं जाता, सिर्फ इसी जगह पे होता है। तो उसका रीज़न क्या है दोस्तों? उसका रीज़न बैली बढ़ने का सिर्फ चर्बी नहीं है। ये जो आप दबा के देखते हो तो ये सिर्फ चर्बी नहीं है दोस्तों, इसका रीज़न है हमारे एब्डोमेन के अंदर में, स्टोमक के अंदर में पूरा गैस, बैली के अंदर में पूरा गैस भरा हुआ है, जिस गैस के कारण जो है ये काफ़ी ऊंचा है। अगर जिस तरह से बैलून से गैस निकाल देते हैं, बैलून को फुग्गा को फुगाते हैं, फैल जाता है, फिर उसका हवा निकाल दिया फुग्गे का, तो वो नॉर्मल रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। सेम चीज़ें आपके बैली के साथ है दोस्तों। तो बगैर मेडिसिन के आप इसे कैसे निकालेंगे, गैस को ख़त्म कैसे करेंगे? हजारों लाखों करोड़ों रुपए की दवाएं पर डे बिक रही है सिर्फ ये गैस के लिए, गैस एसिडिटी के लिए, और लोग इसे डेली का डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप और हमें एक मालूम है कि एक्सरसाइज करने से ये ठीक हो सकता है, हमारे खान पान को चेंज करने से ठीक हो सकता है, उसके बाद भी हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बगैर टाइम दिए हुए आप अपने रूटीन को करते हुए कैसे आप इसे कम कर सकते हैं दोस्तों, इसे कम करने का तरीका क्या है, गैस एसिडिटी हर एक चीजों से आप छुटकारा कैसे पाते हैं। तो छोटी सी रूटीन, बहुत ज्यादा आपको रूटीन चेंज नहीं करनी है, थोड़ी सी रूटीन चेंज करनी है। वो अभी मैं बताऊंगा कि बादाम खा के या बिस्किट खा के या पोहा खा के या कोई भी सामान मुंह के अंदर में रखने के बाद उसे चबाना है हमें, जिस चबाने से हम अपने गैस और एसिडिटी को खत्म कर सकते हैं। ये दो चार दिन के अंदर में फर्स्ट डे से ही आपको इसका रिजल्ट मिलना दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। तो अब करना क्या है वो दोस्तों, तो जैसे हमारी हमारे घर में माता बहनें, हमारी बहुएं बेटियां या हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो बैठे रहते हैं, या माता बहनें तो काम भी करती हैं, उसके बाद भी उन्हें तो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, ना योगा का टाइम मिलता है, ना जिम जाने का टाइम मिलता है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, घर का काम ही इतना ज़्यादा है कि वो करेंगे क्या। उसके बाद भी उन्हें फिट रहना है। उस फिट रहने का एक आसान तरीका, आपको जो पसंद है सारा खाना खाइए, लेकिन अगर वो पूरे बॉडी में गंदगी है तो हम डेली नहाते हैं, स्नान करते हैं दोस्तों, उसी तरीके से हमारे बॉडी में गंदगी आ जाए तो उसे साफ करते हैं। तो उसी तरह से हमारे जब इसके बैली के अंदर में, इसके अंदर में जो चर्बी आई है उसे कैसे खत्म करेंगे, वो गैस फुगा। अब ये क्यों आई है दोस्तों वो बताता हूं। फुगा को आपने देखा होगा, जब फुगाते हैं फर्स्ट टाइम जब फुगा लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइट होता है, फिर जब फुगा के फिर ये करते हैं तो वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, फिर फुगा के छोड़ते हैं फिर थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो जितने टाइम हम उसको फुगाते हैं उतना वो लूज होता चला जाता है दोस्तों, वो फिर नेचुरल पोजिशन में नहीं आता है दोस्तों। तो ये फुगे के साथ है, लेकिन आपके इसके साथ ऐसी बातें नहीं आएगी दोस्तों। आपके साथ क्या है कि ये धीरे 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 करके अपने नेचुरल पोजीशन में, पहले जो था उस पोजीशन में ये आ जाएगा। सिर्फ आपको उसके अंदर का जो गैस है, एसिडिटी है, हवा है, उसे खत्म करना है, तो नेचुरली बेस में वो अंदर आ जाएगा दोस्तों। अब उसे खत्म करने के लिए एक, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा एक्सरसाइज है, मैंने भी दिया है, हमारे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो मैंने दिया है। इसके अलावा योगा है, एक्यूप्रेशर है, यूनानी है, होम्योपैथ है, एलोपैथ है, आयुर्वेद है, हर एक तरह की दवाएं हैं, लोग खा रहे हैं कर रहे हैं, कुछ दिन करते हैं छोड़ देते हैं, करते हैं छोड़ देते हैं, करते हैं छोड़ देते हैं, किसके पास जाऊं और करूं, इस चक्कर में लोग लगे रहते हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसका एक आसान तरीका जो आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और वो आसान तरीका क्या है कि आपको दोस्तों जो भी खाना है वो चबा के खाना है। अभी एक एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये एक बादाम है, मैं बादाम इसलिए बता रहा हूं, बादाम हो, मूंगफली हो, चने चना हो,
मकई हो, जो हार्ड चीज है, जो भी हार्ड चीजें हैं इसे चबाने में टाइम लगेगा, या सॉफ्ट चीज भी ये लीजिए तो हार्ड चीज को चबाने में टाइम लगेगा उसे लीजिए दोस्तों। और अब उसे क्या करना है, हम लोगों को मुंह में डाला और चबाना स्टार्ट किया। अब ये चबाने की क्रिया क्या करनी है दोस्तों, 500 टाइम्स आप काम करते रहिए, इसे चबाते रहिए। हमारे फ्रेंड जो ऑफिस जाते हैं, हमारे बच्चे जिनका ये हो गया है, वो ऑफिस जा रहे हो, घर जा रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, लेकिन ये मुंह चलना चाहिए दोस्तों। अब ये जो चल रहा है दोस्तों, हमने एक बादाम लिया है और ये डायरेक्ट ऑनलाइन विदाउट कट मैं बता रहा हूं आपको, ये बादाम को मैंने लेके मुंह में मैं चबाया जा रहा हूं। अब एक बादाम से मुंह में कितना लार आ सकता है वो देखिए दोस्तों, इस बातों को ध्यान देना, चबाना इंपॉर्टेंट है। हमें अभी पता हुआ चबाया, देखिए अब आगे करते हैं, इसको कंटिन्यू चबाना है, अंदर नहीं लेना। तो हमारे जो माता बहने हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। पहले के जमाने में लोग पान खाते थे, बहुत सारी चीजें खाते थे, मुंह तो चबाते ही थे, सुपारी खाते थे, मुंह की चबाने की क्रिया हो रही थी। तो इसे चबाना है, एक छोटी सी बादाम लेके मैंने आपको बताने की कोशिश किया। सिर्फ इतना करने से आप अपने अंदर में चेंज, बहुत सारा चेंज ला सकते हैं। तो देखिए हमारा मुंह भरने लगा, हमारी आवाजें चेंज होने लगी। हमारे मुंह में लार पूरी तरह से आने लगा दोस्तों। मिनिमम 300 to 500 टाइम्स, मतलब आपको चबाते रहना, ये फिक्स कर लेना कि 5 मिनट धीरे धीरे चबाना या 3 मिनट। देखिए जैसे तो लार बढ़ गया, और इसे कंप्लीट कंटिन्यू करते जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम मिले, अगर आप बैठे हैं, तो इस पॉइंट को भी आप दबा सकते हैं। ये बैठने वालों के लिए, जिनके पास सिर्फ टाइम है, इनके पास टाइम नहीं है, वो कोई कुछ ये करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने ऐसे नॉर्मल बताया, हाथों को ऐसे ऐसे अपना करते रहे जो बैठे हैं, और ये करना कोई जरूरी नहीं दोस्तों। देखिए हमारे वही एक बड़ा में पूरा लार है, आगे देखिए ये करना कुछ भी जरूरी नहीं है। तो मैं बैठा हूँ, आप लोगों को कुछ मालूम होना चाहिए, नहीं कीजिए। मैं बोलने में मुझे अब तकलीफ हो रही है, कहीं मुंह घटते जा रहा है, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। ये पार्ट को भी ये नीचे बैठ गया लाट, तो जब नीचे गिरने की पोजीशन में आ गया। पूरा मुंह लाट भर गया। क्या आपका स्टोमक है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मैं मुंह में मैं बोल नहीं पा रहा, पूरा लार भर गया।
ये डिग्री होल्डर, ये पूरे मिलाट लगभग 400 टाइम्स 500 टाइम्स मैंने इसको चबाया है, पूरे देखिए बादाम खत्म है। तब मैं आपको दिखाता हूँ लार कि ये पूरे मुंह में लार बढ़ गया। अब मैंने इसे अंदर लिया दोस्तों। तो दोस्तों इस क्रिया को चबा चबा के करने से आपका ये बैली, आपका ये गैस एसिडिटी कम होगा, तो बैली खुद ब खुद आपका रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। ये चर्बी खत्म हो जाएगी, ये चर्बी नहीं है, ये गैस एसिडिटी के कारण बना हुआ है, उसी के कारण फैला हुआ दोस्तों। तो एक बार से नहीं होगा दोस्तों, ये बादाम आपको कंटिन्यू दिन में 5-7 बादाम खा ही सकते हैं, चने का चना भुना हुआ खा ही सकते हैं आप, पोहा खा ही सकते हैं, चूड़ा खा ही सकते हैं। इसके अलावा हर चीज और भी तरीका है, जिस जो फल फ्रूट खाते हैं वो एक एक कौर लेके कंटिन्यू उसको चबाते रहें। तो ये चबाने की क्रिया काम करते रहें और चबाने की क्रिया करते रहें दोस्तों। अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है 1 महीने के अंदर में ये जो आपके पोजिशन है, पहले इसे मेजर टेप से चेक कर लीजिएगा कि कहाँ तक है, करना स्टार्ट कीजिएगा। दिन भर कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, या जब लगे कि आपका पेट पूरा फूका हुआ है, फूल गया है, गैस भरा हुआ है, ये करने की क्रिया दोस्तों। तो दोस्तों इस नेचुरल तरीके से आप अपने बैली को रिड्यूस कर सकते हैं और आपका बैली पूरी तरीके से रिड्यूस हो सकता है दोस्तों। तो इसी बातों को आपको समझना है, बैली रिड्यूस के लिए ये आपका पूरी तरह कहीं भी कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों, एकदम अंदर की तरफ आ जाएगा, फूका फूका बाहर है, क्लेम कीजिए। लेकिन ये चबाने की क्रिया कंटिन्यू करनी है आपको, और आपको फायदा नहीं होता है तो मुझे कमेंट करें और बोले कि नहीं हो रहा है डिसलाइक करें, और अगर आपको फायदा हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें दोस्तों। ये मैं नेचुरल तरीके से हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ, हमने आपको अपने खुद पे प्रैक्टिकल किया हुआ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो रिड्यूस करके बता रहा हूं दोस्तों। तो मैं तो आपके सामने में हूं, आपको इससे पता चलेगा कि ये क्या पोजीशन है दोस्तों। ये पेट अंदर, ये मैं बाहर फुगा के कर रहा हूं, देखिए कहां तक आ रहा है दोस्तों, ये अंदर, ये नेचुरल, ये कहानी दोस्तों। तो 101% आप बैली रिड्यूस कर सकते हैं बगैर मेडिसिन, बगैर एक्सरसाइज, बगैर एक्यूप्रेशर, आप सिर्फ चबा के। इस चबाने की क्रिया से इससे और भी बहुत सारे फायदे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आप इसको चबा चबा के इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। तो इसे रिड्यूस करते रहिए और दूसरों को भी फायदा पहुँचाइए। आगे नए वीडियोज के साथ हम फिर साथ होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।